हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस पैथन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट पैथन। तो हम कोर पैथन क्लास में पहुंच चुके हैं ओओपीएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम तो जानिए इसे है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है क्या। देखिए, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो कोड को दोबारा से, जो रियल लाइफ वर्ल्ड होता है, मतलब कि जो कोड होती है हमारी, वो जो रियल वर्ल्ड के जो एंटिटीज होते हैं, मैं रियल टाइम की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए काम किया जाता है। और इसका जो मेन फोकस होता है, कोड को रीयूजेबल बनाना। जैसे हमने कोड ऊपर लिखा, हम उसी कोड को नीचे के तरह यूज कर सकते हैं। पाइथन के अंदर में मेनली हम क्लास बना सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। इस क्लास के अंदर हम डेटा, फंक्शंस जैसे चीजों को स्टोर रखते हैं। अब चलिए एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं एक क्लास बना के, ताकि पता चलेगा कि अब ओओपीएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास क्लास बनाया, क्लास क्लास हम एक काम करते हैं, बैंक बैंक एसी के नाम से बनाते हैं। बैंक अकाउंट के लिए, हम बैंक अकाउंट के लिए बना रहे हैं। अब यहां पे फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन, और डिफाइन 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 के साथ हम दो बार अंडरस्कोर करेंगे, क्लास के अंदर ऐसा करना पड़ता है। और इसमें हम एंटिटी को कॉल करते हैं, और यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट आके हमने एंटर कर दिया इसलिए, लेकिन हमें ये चीज नहीं करना है, हमें इसके अंदर इनपुट्स देने हैं। तो इनपुट्स में एक आएगा सेल्फ, ठीक है, सेल्फ मोनली देते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर, अकाउंट मतलब अकाउंट नंबर, यहाँ पे बैलेंस मतलब एक बैलेंस, और यहाँ पे एसी होल्डर, तो हम अंडरस्कोर एचएल कर देते हैं होल्डर। चार हमने बनाया, एक सेल्फ हो गई जो कि मेन फंक्शन से आपका, एक उसके बाद उसके एट्रीब्यूट अकाउंट नंबर हो गया, फिर बैलेंस हो गया, फिर अकाउंट होल्डर के नेम हो गया। अब इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि सेल्फ सेल्फ, क्योंकि हमने सेल्फ बनाया है इसलिए कि सेल्फ डॉट अकाउंट जो है इक्वल टू अकाउंट होगा। फिर वापस सेल्फ डॉट, हमने बोला डीएल बैलेंस जो है इक्वल टू डीएल होगा। फिर हमने लिखा सेल्फ सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर एच एल इक्वल टू एसी अंडरस्कोर एच एल हो, ये हमने डिक्लेयर कर दिए। तो हमने तीन चीज डिक्लेयर किए, पहला अकाउंट नंबर, दूसरा बैलेंस, और तीसरा अकाउंट होल्डर का नेम। और ध्यान रखिएगा कि हम ए इसमें हम इसमें ही रहेंगे, मतलब कि क्लास क्लास के अंदर ही हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं डिफाइन डिफाइन में। अब इसमें वो डिपॉजिट के लिए, तो डिपॉजिट में हम यहाँ पे डिपॉजिट लिख देता हूँ, डिपॉजिट डिपॉजिट या डीआर लिख देता हूँ, डीआर सही रहेगा, सीआर सीआर में क्रेडिट, क्रेडिट किसमें करना है तो मुझे सेल्फ में करना है। क्या करना है तो अमाउंट का, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सेल्फ डॉट बैलेंस मतलब कि रियल इक्वल टू प्लस इक्वल, हमने बोले अमाउंट, तो अमाउंट उसमें प्लस हो जाएगा। अब बात करते हैं विथड्रॉवल की, तो अगेन डिवाइन करते हैं और यहां पे लिखते हैं डी, मतलब कि डेबिट होगा। और इसके अंदर भी हम देते हैं सेल्फ, सेल्फ में अगेन यहाँ अमाउंट डालते हैं, और ऊपर हमने सिंगल कोट नहीं डालना, डालना जरूरी होता है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देना होगा, इफ सेल्फ डॉट वी एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू अमाउंट, देन सेल्फ डॉट डीएल इक्वल, यहाँ पे माइनस माइनस इक्वल अमाउंट,
एल्स मैसेज देता है ना बैंक में, हम लोग एटीएम में प्रिंट में, इन सफिशियंट फिल क्या बोलते हैं उसको, फंड्स या बैलेंस। और इसको सिंगल फोर में डाल देते हैं। अब ये हो गई, अब बात करते हैं तीसरा फंक्शन जो हम है, वो है हमारा गेट बैलेंस। डिफाइन तो यहां पे यदि गेट अंडरस्कोर बियर, गेट बैलेंस किसका, सेल्फ। इसके अंदर क्या बैलेंस चाहिए हमें, तो यहां पे सिंपल रिटर्न कर देते हैं सेल्फ डॉट बियर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए कुछ डेटा एंट्री इसके अंदर हम करते हैं। तो हम बोलते हैं अकाउंट होल्डर वन, अकाउंट वन इक्वल टू, हमने यहाँ पे इसको बैंक एसी को कॉल किया, हमने इसमें बोला कि अकाउंट नंबर, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो अकाउंट नंबर बैलेंस, अकाउंट नंबर बैलेंस एंड अकाउंट होल्डर नेम। अकाउंट नंबर जो है 123 है, बैलेंस 1000 है, पैसा 1000 है, और नाम है पूजा, पूजा से। सॉरी इसको तोड़ना होगा, क्लास के अंदर आ रहा था। फिर अकाउंट टू हम लेते हैं इक्वल सेम बैंक अकाउंट, और यहां पे 123, 123 में ट्रिपल वन, 111 डॉट यहाँ पे कॉमा, बैलेंस मान लीजिए इसका 5000 है और नाम है, नहीं बैलेंस इसको वन, इसका भी 1000 करते हैं, और कॉमा इसका, हाँ 1000 से रहेगा, और नाम मान लीजिए हमने बोला रवि। तो दो इंची हमने कर, अब इसमें हम डिपॉजिट करते हैं कि अकाउंट वन डॉट सी आर क्रेडिट कर, क्रेडिट कितना हमने बोला 5, इसमें 1000। तो फिर अकाउंट टू डॉट डी आर, डी आर, और इसमें हम 5000 करते। और फिर यहां पे प्रिंट, प्रिंट में हम देते हैं गेट, नहीं एसी वन डॉट गेट बैलेंस, ब्रैकेट ओपन क्लोज। चलिए इसको रन करके देखें एक बार, कोई एरर नहीं आनी चाहिए, और कोई एरर नहीं आया। आप देख सकते हैं कि विड्रॉल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंसेप्शन फील्ड था, और ये देखिए हुआ। अगर इसको थोड़ा सा जूम करूं मैं तो आप देखेंगे, तो पहला इंस्टेंट फाइनेंस दिया और यहां पर 2000 दिया। तो यहां पे आपने समझा कि हमने एक बार कोड लिखा, और नीचे में जितना मर्जी उतना बार उसमें हम ऐड कर सकते हैं, वो हम हमारा कोड जो है रीयूजेबल रहेगा, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह हम इसको बार 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 यूज कर सकते हैं। हर चीज के लिए हम अलग अलग नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ओओपीएस के जो फीचर्स है। सबसे पहले क्लास और ऑब्जेक्ट, जो भी हमने बताया क्लास और ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है एनकैप्सुलेशन, जी हाँ दूसरा क्या होता है, एनकैप्सुलेशन। तीसरा होता है अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने क्लास ऑब्जेक्ट से। तो आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओपीएस होता क्या है, ओपीएस होता क्या है, और इसके क्या क्या फीचर्स है जिसमें हमने बात की कि पहला है क्लास इन ऑब्जेक्ट, दूसरा है एनकैप्सुलेशन, तीसरा है अब्स्ट्रैक्शन, चौथा है इनहेरिटेंस, और चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये चारों के बारे में हम चार अलग अलग वीडियो के अंदर में जानेंगे, और हम शुरुआत करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट से, जहां हम इन चीजों के बारे में
डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।